Hello everyone, welcome back to Biotech Wali. In this video, we are going to talk about media optimization. और last video में हम पहले से discuss कर चुके हैं what is media design. क्योंकि हमको media design and media optimization साथ में पढ़ना होता है, तो इसलिए पहले हमने media design का मतलब समझा, तो हमको पता चला कि हमको media को optimize करने की क्या जरूरत है. तो इसलिए next video में हम पढ़ रहे हैं media optimization. मीडिया आपको पता ही चल गया होगा, अभी तक इतनी बार आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है मीडिया. मीडिया बेसिकली कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं और माइक्रोब्स के लिए क्या बनाते हैं, खाना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग. और वही खाना हमें कैसे डिजाइन करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उस खाने को अच्छे से अच्छा कैसे बनाना है, वही हम करेंगे मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू. तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है टू मैनिपुलेट, मींस चेंज करना. एक टाइम पे हम एक फैक्टर को चेंज करते रहेंगे और अपने मीडिया को अच्छे से अच्छा बनाते रहेंगे. जैसे कि हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, हम चाहते हैं हर बार उनको कुछ अच्छा खिलाएं, कुछ नया खिलाएं, जिससे वो और ज़्यादा खुश हो जाए. ऐसे ही हर बार हम माइक्रोब के लिए खाना बदल देंगे और ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जैसे मेहमान जाते हुए विदाई देके जाते हैं, वैसे ही माइक्रोब्स भी जाते हुए हमें अच्छा प्रॉफिट देके जाएं. ठीक है, तो मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं. मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच विद अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसमें हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में पर्पजफुली हम कुछ फैक्टर्स को चेंज करते रहते हैं और रिजल्ट को ऑब्जर्व करते रहते हैं. इन विच वी पर्पजफुली मेक चेंजेस टू मीडिया कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस कंडीशंस. और ये मीडिया कंपोनेंट्स और प्रोसेस कंडीशंस कौन सी है वो अभी हम आगे देखेंगे. एंड एट द सेम टाइम वी ऑब्जर्व द रिजल्ट. हम फैक्टर्स को चेंज करते जाते हैं और सेम टाइम पे रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा यील्ड है, वही अपना फाइनल मीडिया का डिज़ाइन मान लेते हैं और हमारा मीडिया ऑप्टिमाइज हो चुका होता है. बेसिकली पर्पस क्या है हमारा मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का, मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किया ही इसीलिए जाता है ताकि हमें बेटर से बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सके, हमारे प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट हो सके और हमारा बढ़िया सा रेवेन्यू जनरेट हो सके. आता है ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स. ऑप्टिमाइजेशन के लिए पैरामीटर्स कौन कौन से है, मीडिया कंपोनेंट्स, प्रोसेस कंडीशंस, ठीक है, और यू कैन से मीडिया कंडीशंस. मीडिया कंपोनेंट्स आपको पता ही है कि जो भी मीडिया का फॉर्मुलेशन है वो सारी चीज़ें, वाटर, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, चिलेटर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रीकर्सर्स, बफर, इनहिबिटर्स, एंटी फॉर्मिंग एजेंट एसेट्रा. देन प्रोसेस कंडीशंस में कुछ आती है फिजिकल कंडीशन, कुछ आती है केमिकल कंडीशन और कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन, लाइक पीएच, वाटर एक्टिविटी, रिडॉक्स पोटेंशियल, ये सब केमिकल कंडीशंस में आता है. प्रेशर, एजिटेशन रेट, फ्लो रेट, टेम्परेचर, ये सब हमारा फिजिकल कंडीशंस में आता है. माइक्रोबियल स्ट्रेन, बायोमास और स्टरलाइजेशन, ये सब हमारा बायोलॉजिकल कंडीशन में आता है. अब हमको ऑप्टिमाइजेशन तो करना है मीडिया का, बट हमको ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है. अब जब तक हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं चल पाएगा, बट हाँ अपने अभी तक जो पढ़ा है उसको एनालाइज करके ये तो खुद देखने से पता चलता है कि कुछ फैक्टर्स ज़्यादा अफेक्ट करेंगे मीडिया को और कुछ फैक्टर्स कम अफेक्ट करेंगे मीडिया को. लाइक कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, कौन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा पा रहा है माइक्रोब को, हमें इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करना है, तो कौन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा पा रहा है, कितना जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी. अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं बफरिंग एजेंट या एंटी फॉर्मिंग एजेंट, अब ये तो कुछ प्योर केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कुछ केमिकल्स सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. अब हम एंटी फॉर्मिंग एक की जगह कोई दूसरा केमिकल भी यूज़ कर ले तो हमारी जो मीडिया है उसको इतना अफेक्ट नहीं करने वाला, बट हाँ अगर हम कोई भी जैसे कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है, उसको बदल दें तो मे बी अफेक्ट करे. सेम इसी तरह यहाँ पे है कि पीएच, टेम्परेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मे बी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे मीडिया को, और फ्लो रेट जो है
कम अफेक्ट करें, फ्लोरेट जैसे भी जो भी हम उसमें फीड कर रहे हैं वो कितनी स्पीड से हम उसमें ऐड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है मीडिया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, सबसे पहले हम देखते हैं OFAT। OFAT स्टैंड्स फॉर वन फैक्टर एट अ टाइम। इसमें बाकी सारे फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे और किसी एक फैक्टर को पहले उसका लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, देखेंगे और अपनी यील्ड को ऑब्जर्व करेंगे और जहाँ पे भी परफेक्ट यील्ड आएगी उसी को अपना स्टैंडर्ड मान लेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें हम दो से ज़्यादा भी एक बार में क्या फैक्टर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आता है ANN। ANN स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें कि हम मीडिया को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिसके थ्रू। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ ANN के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और आगे अभी ANN कंट्रोलर भी आएगा तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मिमिक्री। अब बायोलॉजिकल मिमिक्री क्या होता है, बायोलॉजिकल का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि कुछ भी नेचुरल प्रोसेस एक्शन या एक्टिविटी या लिविंग थिंग, और मिमिक्री मतलब टू मिमिक समथिंग, यानी किसी को भी कॉपी करना था, एक्ट ऑफ कॉपी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मिमिक्री में माइक्रोब लेते हैं, उसका पूरा एलिमेंटल कंपोजिशन पढ़ते हैं, मीन्स कितने परसेंट कार्बन है उसके पास, उसका कंपोजिशन देखते हैं, कितना नाइट्रोजन है, क्या माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना मीडिया डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। ये सबसे मतलब ऐसे तो बेस्ट रहता है पर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव है, बट हाँ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी देता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम में भी हम एक नेचुरल प्रोसेस को भी करते हैं कि कैसे जेनेटिक हमारे पास जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वैसे ही प्रोसेस में अगर हम देखें तो कैसे होगा मीडिया में, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके बायोइन्फॉर्मेटिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसको कैसे इंटीग्रेट करना है मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आप समझ ही जाएंगे, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, विल टेल यू। देन नेक्स्ट आता है प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन, ठीक है। प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ही मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाने वाला मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेथड है और इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स एट अ टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट हाँ इसमें ये भी कोरिलेट नहीं करता सारे फैक्टर्स को। तो अब जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो जेनेटिक एल्गोरिथम, ANN और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको ANN और जेनेटिक एल्गोरिथम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो वन फैक्टर एट अ टाइम, बायोलॉजिकल मिमिक्री, प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन और फैक्टोरियल डिज़ाइन के ऊपर वीडियोज़ देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।